दुख आज के समय का सबसे बड़ा रोग बनता जा रहा है। आज हमारे पास ऑलमोस्ट हर चीज अवेलेबल है, चाहे वो एक फोन पर खाना हो या फिर एक ऑर्डर पर कपड़े, चाहे वो दवाइयाँ हो या फिर राशन, हर चीज मिनटों में हमारे पास आ जाती है। यहाँ तक कि खुशियाँ भी मिनटों में मिलने लगी है। लोगों को हंसने के लिए सिर्फ 15 सेकंड का एक रील्स चाहिए, शॉर्ट वीडियो देखना है और हंसी आ जाती है। इन्फॉर्मेशन भी इजी से इजीएस्ट वे में अवेलेबल है। अवेलेबल नहीं है तो आज के वक्त पर दुख को दूर करने की दवा, गम को नजरअंदाज करने की तकनीक, कैसे किसी को भुलाकर किसी के बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जाए, इसकी कोई मेडिसिन आज तक बनी ही नहीं है। उसने मेरे को ये बोल दिया, मेरी फीलिंग हर्ट हो गई। मैंने उससे सिर्फ एक चीज मांगा था, भरोसा, और उसने वो भी तोड़ दिया। मैं तुमसे पूछता हूँ, किसी ने तुम्हारे भरोसे का ठेका ले रखा है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मेरी बातों का विश्वास करो? मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम उस इंसान पर विश्वास करने से पहले इन सब फिजूल की बातों पर विश्वास कैसे कर लेते हो? अगर वैवाहिक संबंध हो गई है तो फिर ठीक है, एक दूसरे को समझना अच्छा लगता है, लेकिन तुम अपनी जिस एज में हो उसमें किसी को समझने से ज्यादा परखने की जरूरत है। डायलॉगों में मत फंसो। जो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मिल रहा है आपको ज्ञान, फेसबुक पर मिल रहा है, उसमें आज भटको मत। अच्छे अच्छे डायलॉग्स आज बेचे जा रहे हैं, किसी को परखने की कोशिश मत करो, समझने का प्रयास करो। हर जगह ये लागू नहीं होता, कहीं कहीं इंसानों को परखना भी पड़ता है, और आज का जो वक्त चल रहा है उसमें परखना बहुत जरूरी है। किसी से जुड़ने से पहले उसके लक्षणों को समझना पड़ेगा, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी चरित्र कैसी है, कितना अच्छा सोचता है, इन सब चीजों को परखे बिना तुम उससे जुड़ कैसे सकते हो? इसका मतलब तो साफ साफ है कि तुम्हें उससे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, तुम तो सिर्फ उसके शरीर पर आकर्षित थे, और फिर ये शरीर जब तुमसे अलग होता है तो विचलित हो जाते हो, बेचैनी होने लगती है। जो चाहिए था वो तुम्हें मिल जाता है तब तो ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। जिस चीज के लिए तुम उस इंसान से जुड़ रहे हो वो चीज तुम्हें मिल जाती है तब तो तुम्हें सुकून मिलता है, लेकिन अगर बाय चांस वो चीज तुम्हें नहीं मिलता तब तुम बेचैन होने लगते हो, और उसी बीच अगर वो इंसान तुमसे अलग हो गया तब तो समझो तुम्हारे अंदर तूफान आ जाता है, बाउंडर आ जाता है तुम्हारे अंदर। ऐसा क्यों? कभी इस चीज को समझने का प्रयास किया है? एक बात समझ लो, किसी और को गलत कहने से पहले अपने आप को भी सही साबित करो ना। क्या पता तुम्हारे में ही कोई कमी हो, तुम्हारा मन ही किसी और पे चला गया हो और उसे पता लग गई हो तो वो तुम्हें छोड़कर चला गया। बात यहाँ छोड़ने और जुड़ने की नहीं है, बात यहाँ ये है कि आज के मोहब्बत को लेकर हम सोचते क्या हैं। जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी तब तक हम सही इंसान से कभी जुड़ ही नहीं सकते। प्यार तो बहुत दूर की बात है। अब यह बात आती है कि सही सोच कैसे विकसित करें, सही इंसान को कैसे पहचाने। तो इसके दो तरीके हैं। पहला, क्यों जुड़ना है तुम्हें उससे? पता है, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, सच थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन कड़वी हुई बातें भी अगर आपके लिए असरदार हो तो मैं जरूर कहूँगा, और इसे आपको ध्यान से सुनना होगा क्योंकि आप मेरी फैमिली जैसे हो। अपने आप से कभी ये प्रश्न किए हो कि क्यों मुझे उस इंसान से जुड़ना है? क्या वाकई में समय आ गया है कि मुझे किसी की जरूरत है? क्या मेरे माइंडसेट को, मेरे बॉडी को, मेरे दिल को किसी के सपोर्ट की जरूरत है? ये प्रश्न अपने आप से पूछना, अपनी बुद्धि से, अपने मन से नहीं, क्योंकि आपका ये मन भटका हुआ है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स अपने अंदर फिट करके रखा है इस मन ने जितना तुम सोच नहीं सकते। ये तुम्हें उसी बवंडर में गोल गोल घुमाएगा और फिर तुम उसी में डूबने लगोगे। ये मन तुम्हें प्रश्न करने से पहले ये याद दिला देगा कि वो मूवी का सीन याद करो, कैसे एक हीरो रास्ते से गुजर रहा होता है और सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो उससे नैनाचार करता है और उसे मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद वो दोनों जुड़ जाते हैं और लॉन्ग टर्म तक काफी खुश रहते हैं। इसी को तुम अपना इंस्पिरेशन मान लेते हो। रियलिटी ऐसी नहीं होती मेरे दोस्त, ये सिर्फ राइटर और डायरेक्टर के थिंकिंग होती है जो तुम पर थोपा जाता है और तुम इसे सच मान लेते हो। उन लोगों को पैसे कमाने हैं और वो तुम पर कुछ भी थोप सकते हैं और तुम उसी से हिप्नोटाइज हो जाते हो। असल जिंदगी में जोड़ियां कभी अच्छी बनती ही नहीं है। बाय चांस 1-2% लोगों की जोड़ी ऐसी होती है जो दोनों परफेक्ट होते हैं, बाकी जोड़ियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। कभी देखे हो अपने आसपास, लड़का सूखा हुआ है, लड़की तंदुरुस्त है, लड़की स्वर्ग की परी है तो लड़का कोयले की खदान, लड़का 25 का है तो लड़की 35 की। बट ये सब बातें हमारा दिमाग कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है, बस कोई सुंदर इंसान दिखने की देरी है। सीरियल और फिल्म्स वाले सीन हमारे दिमाग में रिपीट होने लगती है और उसी फीलिंग्स को पाने की कोशिश में हम उससे जुड़ने को बेताब हो जाते हैं, बिना ये प्रश्न किए कि क्या ये मेरी जिंदगी में सही है या नहीं। इस प्रश्न को आपको अपने आप से करना ही होगा कि मैं क्यों उस इंसान से जुड़ूं। और दूसरा प्रश्न अपने आप से करना है, अगर चलो वो मान लो पसंद आ ही गई है तो फिर उससे कैसे जुड़ना है? कैसे का मतलब ये नहीं कि मैं कोई टिप्स या ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि ऐसे जुड़ोगे तो खुश रहोगे, या फिर कोई जुगाड़ या मंत्र बताने वाला हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप उससे प्रभावित हो जाते हो, मोहित हो जाते हो तो जुड़ो, मगर इस कदर मत जुड़ो कि उससे अलग होने पर आपको दर्द हो। आजकल का प्यार उस दलदल की तरह हो गया है जिसमें अगर एक बार घुस गए
तो फिर उससे निकल पाना काफ़ी मुश्किल है। जितना कोशिश करोगे निकलने की, उसमें और धंसते चले जाओगे। आपके पास एक क्लेरिफिकेशन, एक स्पष्टता होनी चाहिए। ये एक रस्सी की तरह काम करेगी जो आपको उस दलदल से बचाएगी। दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कब कौन सी एक्टिविटी करनी है, किस वक्त कौन सा फैसला लेना है, क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों में फ़र्क मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि लगे हुए हैं एक दूसरे को ताड़ने में, घूरने में। तुम्हारी आंखें, वाह कितनी प्यारी है, सागर से भी गहरी है, काश इसमें मैं डूब जाऊं। होठ, आ हा हा हा, गुलाब की पंखुड़िया, सूरत तो पूछो मत, चांद शर्मा जाए तुम्हें देखकर। अबे चांद के चंदू, कभी रोशनी भरी रातों से बाहर निकल कर देखो, उसे समझ कर देखो, रिश्ता कहीं और ज़्यादा खूबसूरत होगा। किसी की तारीफ करना गलत नहीं है, लेकिन तारीफ से बंधे पुल के पीछे अक्सर मतलब की नदियाँ बहती है। संभल कर पुल बांधना, वरना नदियों में इतनी जोर होती है कि वो बड़े से बड़े पुल को भी ध्वस्त कर देती है। प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार में अंधे बन जाना सबसे बड़ी गुनाह है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। भूल होना स्वाभाविक है, नादानियाँ हो जाती है रिश्तों में, कभी कभी नोक झोंक भी सहना पड़ता है, कुछ गलतियों को भी नज़रअंदाज करना पड़ता है, वो भी चलेगा। लेकिन अगर वो गलती बार बार रिपीट होने लगे, बार बार उस गलती को दोहराया जाने लगे, तो आपको समझने की नहीं, सावधान होने की ज़रूरत है। उस इंसान से बात करने की ज़रूरत है आपको। आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो रिलेशनशिप में तो चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उस इंसान से केवल हमें कुछ चाहिए ही, या फिर उसे समझने का भी प्रयास करें। अगर वो हमें छोड़कर जा रही है या छोड़कर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये भी तो हमें जानना चाहिए ना। एक कोई गलत चीज़ हम देखे और उस पर रिएक्ट करने लगे, ये तो बहुत गलत हुआ, उसने धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज तुम्हारे फीलिंग्स के कारण इतने गानों की TRP बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फीलिंग्स के कारण। तुम इतने ज़्यादा इंडल्ज हो गए हो इस चीज़ में कि इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। तुम्हें बात करने की ज़रूरत है। अगर वो इंसान तुम्हें छोड़कर जा रहा है, तुम दोनों में दूरियां हो रही है, तो किस कारण हो रही है, इस चीज़ को भी तो समझना है ना। और ये कब होगा, बात करने पर, एक दूसरे को समझने पर। एक तरफा फैसला कभी नहीं करना चाहिए, एक तरफा फैसला अक्सर इंसान को डुबो देता है। अपने मन से किसी को गलत मान लेना, बिना उसकी राय को जाने, बिना उसे समझे, ये एक मूर्खता है। तो पहले अपने साथी को समझने का प्रयास करो, और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है, और आप लोग कितनी दूर जा रहे हो, और इस दूरियों में कितनी नज़दीकियां हैं, और इस नज़दीकियों में भी कितना प्यार है, ये आपको समझना होगा। बातें थोड़ी गहरी हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि ये आपके समझ में भी आ रहा होगा, और आप इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करोगे। और जब जीवन के सबसे बड़े सौदे की बात हो, तो इसके लिए तो आपको सतर्क होना पड़ेगा। और प्यार के मामले में मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी, आपके आत्मसम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। प्रेम त्याग होता है, जो आज के वक्त पर हो पाना काफ़ी मुश्किल है। उम्मीद है कि इस वीडियो में कही गई बातों को आप समझ गए होंगे कि किस तरह अपने रिलेशन को, अपने आप को मैनेज करके चलना है, और लोगों की चालाकियों को समझकर आगे बढ़ना है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने आत्मसम्मान को खोकर कभी प्यार का सौदा मत करना, वरना बिक जाओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।